नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक यूट्यूबर ने अपनी सौतेली माँ के साथ ही गंदी हरकत की है। वो आए दिन रील बनाने के लिए लड़के लड़कियों को घर लेकर आता था। माँ ने विरोध किया तो आरोपी ने घर में तोड़फोड़ की और माँ से छेड़छाड़ कर डाली। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर का है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके सौतेले बेटे के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि आरोपी उसके पति की पहली पत्नी का बेटा है, जो YouTube पर रील बनाकर अपलोड करता है। इसी वजह से वो आए दिन लड़की लड़कियों को अपने घर पर बुलाता है। इसी बात का विरोध महिला ने किया था, तब आरोपी ने महिला को अपशब्द कहे घर में तोड़फोड़ कर दी और बुरी नीयत से उसकी कमर में हाथ डाल दिया। पुलिस ने आरोपी सौतेले बेटे को हिरासत में ले लिया है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता महिला के द्वारा बताया गया कि उनका सौतेला बेटा, जिसका नाम स्मित गौतम है, वो स्मित पाता में वो उसका YouTube चैनल है, जिसपे वो अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाता है और उन्हीं वीडियोस बनाने के लिए कई बार उसके घर पे अनजान लड़के और लड़कियां आते हैं, जिस पर से उसकी सौतेली माँ के द्वारा आपत्ति ली गई थी। और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के दौरान में आरोपी के द्वारा उनके साथ मारपीट करी गई और डराया धमकाया गया। उसके बाद बुरी नीयत से छेड़छाड़ भी करी गई। इस पर शिकायत मिलने से मामला पंजीबद्ध किया गया, वैधानिक कार्रवाई की गई। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।